बेहतर। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दी न्यू व्लॉग। तो भाई ये वीडियो ना मैं नेक्स्ट डे शूट कर रहा हूँ, और भाई मैं जैसे कि बाइक लेके गया था कल, तो भाई क्या हुआ था, बैटरी में ना बैटरी प्रॉब्लम थी। अभी मैं बैटरी चेक करा के आया हूँ, ये रही हमारी बैटरी चेक करा के आया था। तो भाई करंट तो पूरा है बैटरी में, पर अंदर के ना वो बैटरी वाला कहता था कि इसमें ना तुम्हारे सेल ख़राब हो गए हैं। चलो पहले आप वीडियो देखो, फिर आप बात करते हैं आपसे आगे। सो गाइस, आ चुके हैं हम अभी सिग्नेचर ब्रिज पर, और भाई आज सिग्नेचर ब्रिज की रिएक्शन भी लेंगे। भाई क्या परफॉर्मेंस है, मतलब एग्जॉस्ट के तो भाई एग्जॉस्ट था, पर अब घर पे अभी ना क्या नाम है उसका यार, इसका पाइप नहीं मिल रहा है मेरे को, बैंड पाइप। बैंड पर मिल जाएगा ना तो ऑप्शन बन जाएगा मेरे पास एक कंपनी वाला एग्जॉस्ट लगाने के लिए, और विदाउट एग्जॉस्ट लगाने वाला। और भाई फिर आएगी साउंड, तो भाई मेरे पास एकरा का रखा हुआ है, एकरा का भाई। पर अभी तो भाई बहुत बढ़िया चल रही है भाई, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रही है भाई। ये भाई ब्लिंक कर रहा है, क्यों कर रहा है ब्लिंक? लो ऑयल प्रेशर मतलब ऑयल कम हो गया। वो जहाँ अभी भाई मैंने वीडियो डाली थी ना, आपको दिखाया था कि ये जो है इंजन सीज के बारे में, तो भाई लो ऑयल प्रेशर उस वजह से दिखाता है। भाई आगे क्या लग रहा है, ये जाम लग रहा है, क्या हो गया समझ नहीं आ रहा है। ये देखने में कुछ प्रॉब्लम हो गई है यहाँ पर मुझे लग रहा है। ओह, एक्सीडेंट हो गया यहाँ पे तो गाइस, यहाँ तो एक्सीडेंट हो गया है। एक ट्रक भिड़ गया है ऑटो से, मीटर भाई सब, पर किसी का भी एक्सीडेंट हो, पर किसी के चोट ना लग गई मेरे साथ, बस सब कुछ ठीक हो। जहाँ तक लग रहा है वैसे कुछ हुआ नहीं होगा, क्योंकि जो दोनों के शीशे टूटे हैं कहीं से ज़्यादा डैमेज नहीं है, बट ठीक है भाई, इसलिए थोड़ा ध्यान चलाना चाहिए। भाई मैं अभी 70-80-90 चला रहा हूँ वैसे से, क्योंकि अभी भाई आपको पता है जैसे कि इसने कोई प्रॉब्लम दिखाई ऑयल प्रेशर की, तो अभी यहाँ से ना हम इसको यू टर्न लेंगे वापस, फिर यहाँ से वापस घर चले जाएंगे अपन। ज़्यादा नहीं चलाऊँगा इसको, क्योंकि भाई फिर ओवर हीटिंग की ऑप्शन दिखाने लगी ना स्टार्ट में भी, तो घर से बुलाना पड़ जाएगा। तो यहाँ से ना आगे से यू टर्न लेके घूम के आ जाएंगे अब। भाई साउंड बड़ा मस्त आ रहा है, लीन करने का मौका है यहाँ तो भाई सब लीन। पर भाई इसमें लीन करने में डर लगता है कि अपनी स्पेंडर पे तो कर भी ले, तो इसमें डर लगता है मेरे को कि लीन करते करते लीन हो जाऊँ। अभी तो कुछ मैंने अपने एल्बो गार्ड भी लगा रखे हैं, कभी मेरी एल्बो गिर जाए तो यहाँ से नीचे से यू टर्न ले लेंगे। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं सिग्नेचर ब्रिज की बैक साइड रोड पर, और भाई अभी ये बाइक दो बार बंद हो गई थी, भाई जैसे तैसे धक्का लगवा के स्टार्ट करवाई, बट अभी जो प्रॉब्लम आई है बैटरी में है, क्योंकि भाई देख रहे हो ये मैंने बैटरी बॉक्स खोल रखा है अभी, तो इसके अंदर ना बैटरी की प्रॉब्लम है, इसमें बैटरी भी डलवाई जाएगी। अब भाई न्यू बैटरी डलवानी पड़ेगी इसके अंदर, जब जाके इसकी कुछ कहानी सुधरेगी। तो धीरे धीरे भाई मुझे लग रहा है सारा ही काम कराना पड़ेगा इसके अंदर, बट अभी चल रही है, बंद कहीं नहीं करेंगे, नहीं तो भाई अभी सांस फुला दी इसने भाई, इतनी टाइट चल रही है। दो तो अच्छा है, दो तीन भाई मिल गए तो उन्होंने धक्का लगाया, कई भाई तो हार ही मान के भाई हमसे नहीं हो रही स्टार्ट ये। तो भाई अभी देखते हैं यहाँ से कट मिलेगा, वो सिग्नेचर ब्रिज के लिए चढ़ेगा, फिर वहाँ से ऊपर जाएंगे। शायद मेरे हिसाब से ये रास्ता जा रहा है सिग्नेचर के लिए, ये रास्ता सिग्नेचर के लिए जा रहा है, ये रास्ता सिग्नेचर नहीं जा तो रहा, पर यहाँ से नहीं जाएंगे क्योंकि पुलिस वाले होते हैं यहाँ पे। यहाँ से यूं टन लेंगे, इस पर वापस, और भाई आप इसको सौ सात ट्रैफिक वाले खड़े हैं यहाँ तो, पांच नंबर वाले
अच्छा है मेरे जाते वक्त नहीं थे भाई। चल तो सही रही है, चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ना यार इसकी ना कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर, बस एक ही मेन प्रॉब्लम है, बस वो प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही है इसकी। वो प्रॉब्लम ठीक हो जाए ना तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और भाई सांस फूल रहा है, धक्का लगा रखा ना इसलिए सांस फूल, गला भी सूख गया भाई बोलते बोलते, क्योंकि काफ़ी टाइम से व्लॉगिंग नहीं करी ना अपनों से, बात नहीं करी। अब अपन से बात करने का टाइम आ गया, अपनों से आप सभी से बात करने का टाइम आ गया। अब कुछ नया हट के लाएंगे, देखो बैकफायर, ये देख रहे हो, देख रहे हो, ये यही चीज़, यही चीज़ चाहिए, यही चीज़। मज़ा आता भाई साहब ये चीज़ सुनने में। अशोक नगर, और अशोक नगर भाई, भाई बाइक ना जहाँ भी रोकता हूँ ना, अभी पानी पीने के लिए रोकी भाई, बंद नहीं करी, स्टार्ट ही छोड़ दी थी मैंने, कम से कम 10-15 मिनट स्टार्ट ही रही भाई। अभी भाई पानी भी गर्म मिला, ठंडा नहीं भाई, हीटर के नीचे बैठा हूँ, सॉरी हीटर के नीचे नहीं ऊपर बैठा हूँ, तो भाई पता लग रहा कि कितनी गर्मी है। वैसे तो नहीं महसूस हो रही गर्मी, बट पैरों के नीचे है ना बहुत, क्योंकि फ़ैन अभी चल चुका, ओवर हीट हो चुकी है पूरी, और फ़ैन भी चल रहा है, फ़ैन बैक ना हवा मार रहा है। तो आज की टेस्ट राइड इतनी थी भाई, बैटरी का खर्चा आ गया इसके अंदर, बैटरी का खर्चा है। अभी भाई सर्विस भी करानी पड़ेगी जब जाके कुछ पता चलेगा भाई, इसकी पैकिंग वैकिंग सब चेंज करानी पड़ेगी जब जाके सेट होगी बाइक, तो भाई काफ़ी खर्चा है इसके अंदर। तो अभी जहाँ तक जितनी चल रही है चल रही है, जब बजट बन जाएगा पूरा और इंजन विंजन कराने का तो इंजन विंजन करा देंगे इसका, फिर रेगुलर व्लॉग बनाएंगे। और भाई मैंने आगे जाम लग रहा है, यहीं से मोड़ लेते हैं बाइक को। तो मिलते हैं नई किसी वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड राइड सेफ। The next day. So guys, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और भाई क्या करें, कुछ करना है तो पैसे तो लगाने पड़ेंगे, बट अभी करते हैं एडिटिंग और बैठते हैं अपने लैपटॉप पर, ये रहा लैपटॉप, अभी एडिटिंग स्टार्ट करते हैं हम इसकी।